हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानकारी दिया जाएगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है। और अब और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। तो देखिए क्या है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। बिहार सरकार नीतीश कुमार, उन्होंने फैसला लिया कि बहुत सारे लड़के के पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहे हैं। लड़के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता, घर से पैसा नहीं मिल सकता तो घर पे ही रह जाते हैं। तो देखिए ऐसे स्टूडेंटों के लिए उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी शुरुआत किया है। तो उसके बारे में हम देखिए बताते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सभी के लिए, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल एससी एसटी के लिए है या सबसे छोटे ओबीसी के लिए है, जनरल के लिए नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप भी ले सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए सबसे बड़ा बात यह आता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमें मिलेगा कैसे। बहुत लड़के सोच रहे हैं कि पहले एडमिशन लेने के पहले तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता, इतना जान लीजिए। अगर हमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है तो हमें पहले किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर एडमिशन लेकर उसका फी स्ट्रक्चर कॉलेज का लेना पड़ेगा कि हमारे कितने यानी कॉलेज फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, और फी स्ट्रक्चर लेकर बोनाफाइड लेकर कॉलेज से सिग्नेचर कराकर फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के यानी पटना का हो या छपरा का हो या सिवान का हो, जहाँ का भी लड़का हो जिस डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट में DRCC ऑफिस में ले जाना होगा, उसमें जमा करना होगा। उसमें और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगा और कम से कम यानी 30-35 दिनों लगेगा उसके बाद आपके यानी आपके। देखिए आप क्या है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसा जो है स्टूडेंट क्रेडिट का वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में है, तो ऐसा नहीं है। क्या है, जब आप फी स्ट्रक्चर जमा कीजिएगा, बोनाफाइड जमा कीजिएगा, तो जो पैसा बिहार सरकार देगा वो आप कहीं भी पढ़े, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जहाँ भी पढ़े आप, पटना, कहीं भी पढ़े, तो डायरेक्ट वो कॉलेज के अकाउंट में पैसा जाता है। अगर आप हॉस्टल लेकर रहते हैं, हॉस्टल का भी पैसा लेना चाहते हैं, तो केवल हॉस्टल का ही पैसा आपके पास आएगा और जितना भी पैसा होगा वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। और जाएगा तो आपको मालूम भी चलेगा कि हाँ इतना पैसा आ गया है हमारे कॉलेज में, हमारे फी हो गया है। अगर मान लीजिए कभी कभी लड़कों का ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मान लीजिए सर हमारा फी 35,000 है, 40,000 है, 50,000 है, क्या है कि फी स्ट्रक्चर पे 70,000 ले लिया है, तो बिहार सरकार 70,000 देगी तो कॉलेज ले लेगा, देगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉलेज से पहले बात कर लेना पड़ता है। कॉलेज क्या होता है कि जब बिहार सरकार कॉलेज को देगा तो उसके बाद आपका फी है, जैसे 40,000 फी है, 35,000 फी है, तो 35,000 काट कर उसके बाद वापस आपको कर देगा पैसा कॉलेज। ऐसे देखिए सब कॉलेज नहीं करते, सब पहले का बात को ध्यान ही रखना पड़ता है कि आप कॉलेज से बात करना पड़ता है कि हमें दे दे पैसा, नहीं तो क्या है बिहार सरकार तो दे देगा लेकिन भरना बाद में आपको ही पड़ेगा, कितने ब्याज के साथ, 4% ब्याज के साथ। इसलिए सब बात पर अच्छे से जानकारी लेकर ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन ले। देखिए इसका कोई ब्याज अधिक नहीं है, लड़कों के पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे कि देख रहे हैं राजनीति का माहौल, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोन लिए हैं कहीं पलट गया तो नीतीश कुमार कहें माफ़ हो गया, साफ़ हो गया बिहार कॉल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, जितने लोन लिए थे माफ़ हो गया, तो आपका फ़ायदे तब भी आप फायदे में रहते हैं, नहीं तो आपके पास पैसा नहीं है तो 4% है, 4 साल तक कुछ सोचना नहीं है, उसके बाद ही आपका यानी जितना लिए उसका 4% जोड़ कर देना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी कार्ड ले, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले, तो अच्छे से जानकारी ले और उसके बाद ले। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके फी के अधिक से अच्छी से जानकारी ले कि उसके फी के बारे में, तब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले, फिर उसका लाभ उठाए आप। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे ले, या कोई भी दिक्कत आता है तो यानी व्हाट्सअप नंबर भी है, इससे भी मैसेज कर सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है कि और कितने दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, कितने फ़ायदे होंगे, सबके बारे में तो आप जान ही गए हैं। तो आइए इसी के साथ हम इस वीडियो को
अंत करते हैं। जैसे कि बता दें कि हम अगले भी जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब जो लोग किए हैं, अगर नहीं किए तो कर ले, जैसे कि हम इंजीनियरिंग के बारे में, फार्मेसी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, फार्मेसी क्या है, ITI कोर्स क्या है, सारे सबके बारे में अच्छे से बताया हूँ, अच्छे से वीडियो बनाए हूँ। हमारे वीडियो को सब देखना चाहते हैं, अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उससे उसमें छोटा सा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और क्या है कि उसे टच कर कर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे वीडियो को नीचे कमेंट कर कर जरूर बताएं कि हमारा ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जानकारी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा, क्या आपके लिए अच्छा लगा या नहीं लगा, नीचे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।